राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। गांधीग्राम हत्याकांड में रामेश्वर जाटव के परिजनों ने प्रशासन से की निष्पक्ष जांच करने की मांग। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम गांधीग्राम में दिनांक 18 दिसंबर 2020 को ग्राम गांधीग्राम निवासी कमल सिंह की हत्या का मामला। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उस मामले में नरसिंहगढ़ थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वहीं घटना के दो दिन बाद पुलिस ने शंका के आधार पर अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसी दिन नरसिंहगढ़ थाना से पुलिस ने गांव के रामेश्वर पिता मुंशीलाल जाटव को फोन लगाया कि आप थाने आकर इस घटना में आपका बयान दें। इसी के चलते ग्राम गांधीग्राम निवासी रामेश्वर जाटव पिता श्री मुंशीलाल जाटव उसी दिन रात्रि 8 बजे के लगभग नरसिंहगढ़ थाने पर बयान देने पहुंचा, जहां पुलिस ने उक्त व्यक्ति रामेश्वर जाटव को रात भर उल्टा लटका कर मारपीट की थी और मुंह में कपड़े ठूस ठूस कर मारपीट की और जेल भेज दिया गया। इधर इस मामले को लेकर रामेश्वर जाटव के परिजन व पिता मुंशीलाल जाटव इस मामले को लेकर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक महोदय व भोपाल रेंज ग्रामीण DIG को भी निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए आवेदन दिया। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। घटना इस जगह की है और अपने खेत का जो दर्शाया यहाँ से 1200 फीट दूर है वो जगह। अच्छा, वहाँ का केस बनाया और पेपर में भी उनने वहाँ का दर्शा दिया। घटना ये कहाँ की थी? ये इस खेत की थी, यहाँ की। अच्छा, जब ये घटना हुई थी तो आपका बेटा कहाँ पर था? घर था, घर पे था। हाँ। अच्छा, और फिर हत्या में नाम कैसे आया फिर? अब नाम कैसे आया साहब, ये षड्यंत्र रच के नाम लिखाया गया। अब ये हम कैसे कह दें कि उस कोई का हम नाम नहीं लें, नाम किसी दोषी ठहरा। वो भी एक सीधा सच्चन गरीब आदमी था जिसका मर्डर हुआ, वो भी किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं था उस आदमी से भी, सीधा था, सज्जन था। हमारे गाँव में केवल रात रहता था, सोभागपुरा में ढोर चराता था, वहीं पानी वानी फेरता था और अपना टाइम पास वो सोभागपुरा ही 12 महीना उनके ही काम करता था। हमारे यहाँ गांव में काम भी नहीं करता था किसी के पास। अच्छा, जो घटना से असंतोष है आपको, जो मुजरिम बनाने से असंतोष है, इसकी शिकायतें कहाँ कहाँ की गई हैं? हमने शिकायत करी केवल वो पेपर दे दो 31 तारीख। आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी करी आपने जैसा बताया? DIG को किया? नहीं, यहाँ नहीं करी, हम उधर भोपाल भी करके आए और राजगढ़ भी करके आए, SP साहब को भी हम दिया है। मर्डर होने के बाद पुलिस की कार्रवाई में क्या संदेश है, मतलब पुलिस ने क्या क्या कर, जैसे मर्डर हुआ? हाँ। तो आप बता रहे थे कि हमारे से मतलब कपड़े लिए। हाँ। 70 रुपए करवाए। हाँ। वो क्या, वो पुलिस को बताओ। तो वो क्या है, 18 तारीख को जो मर्डर हुआ। हाँ। उसको पुलिस पत्थर को, रुमाल, जो भी कोमल जाटव की हत्या करी जिस भी औजार से, उसको पुलिस उठा के ले गई। पत्थर से मारा, भगवान जाने काय से मारा, उसे पुलिस उठा के ले गई। हमें कोई पता नहीं, ना हमारा कोई बालक था, ना हम थे, हम तो घर थे सारे ही। और इसके बाद जब छोरे ने यहाँ पुलिस ने पूछताछ करी हमको 20 तारीख को, तो हमने कि भैया पूछताछ के लिए पुलिस आई है तो हम बच्चों को थाने ले गए। उनने कि बच्चों को ले आओ नहीं तो हम हमारे तरीके से लाएंगे। तो मैं साहब स्वयं गया, दोनों बच्चों को ले जाके थाने ले गया, थाने छोड़ दिए। अब फिर क्या हिसाब से मैं साहब, अगर पूछताछ हो गई तो बच्चों को घर ले जाएं, कि अभी पूछताछ नहीं हुई दादा, पूछताछ करके हम छोड़वा देंगे। रात भर नहीं भेजे, फिर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी जैसे हम यही बात की कि अभी पूछताछ नहीं हुई, दोपहर तक पूछताछ करके छोड़ देंगे। उधर बच्चे रिमांड पर चल रहे हैं साहब, उनसे कोई पूछताछ नहीं, उनसे तो मारपीट चालू है। हमसे कहें कि तुम्हारे बच्चों को मिले आओ, हम मिलने गए, छोरे बुरी तरह रोएं, ऐसे रोएं कि भैया उनके हाथ पैर नहीं उठे, नाश्ता ले गए तो कैसे खाएं, लठ दिए या काय दिए, भगवान जाने पुलिस ने उनके साथ क्या क्या करा है। उनने मार मार के रनवा लिए। 22 तारीख को जब वो 3 दिन रिमांड पर रहे, 22 तारीख को पिट पिट के हार गए बेचारे, जब उनने रन लिया कि भाई यहाँ हमने मारा, फिर पुलिस वाले उन्हें गाड़ी में बिठा के यहाँ लेके आए। किस तारीख में? 22 तारीख में, 22 तारीख के दिन यहाँ लेके आए और यहाँ से पत्थर उठवाए। उनने क्या मालूम यहाँ से उठवाए कि वहाँ से उठवाए, एक एक पत्थर दोनों लड़कों के हाथ से उठवाए। पुलिस ने वो गाड़ी में रख लिए, फिर पुलिस वाला उन छोरा ने गाँव में लगाया, दो ही लड़के उनको गाँव में ले जाके एक एक जोड़ घर से उनके कपड़े लिए 22 तारीख को। फिर वो कपड़े ले गए, मैंने वो वकील साहब को लिखवा दिए, मैं वकील साहब पुलिस ने ये करिए, पत्थर भी उठवा के लाइए 22 तारीख को और जो है कपड़े भी घर से लाइए। फिर 23 तारीख को मैं कपड़े लेने गया, मैंने कहा त्याई साहब जो बच्चे पहने कपड़े थे वही कपड़ा मैं आपने जेल में भेज दिए, तो जो घर से आप कपड़े लाए हुए हैं वो मुझे दे दो। तो त्याई साहब ने कहा यार वो कपड़े तो नहीं है, कहीं इधर उधर हो गए होंगे साहब। मैं घर आ गया, बस
क्या लगता है मतलब कार्रवाई जो हुई है तो भाई कार्रवाई हुई हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई, हम निर्दोष फंसाए गए हैं, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसकी उचित मुलजिम सामने आना चाहिए, निर्दोष आदमी बाहर होना चाहिए और दोषी आदमी जेल में होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा अगर दोषी है तो गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बंदूक दो मैं मेरे हाथ से मार दूँ। अगर मेरा छोरा दोषी है तो ये षड्यंत्र रच के कैसे फंसा है, पुलिस जाने या षड्यंत्र रचवाने वाले जाने। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ कि इस आदमी ने मेरा लड़का फंसाया, अब वो तो ये पुलिस खुद जाने कौन ने फंसाया, कौन जाने क्या है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग तो ये है कि हमारे बच्चों को निर्दोष जांच होनी चाहिए भैया, जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, निर्दोष इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए भाई, दोषी को सजा होना चाहिए ये भी हम चाहते हैं, उसकी सही जांच चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहे, हमें ऐसा अधिकारी भेजो कि निष्पक्ष जांच हो। जिन आदमियों से जांच करनी थी वो जांच हुई नहीं और निर्दोष आदमियों को बुलाकर जो उन्हें जेल में डाल दिया, मार ठोक कर रनवा लिया और मुलजिम बना दिए और 72 घंटे में केस सोल्व करके पेपर में निकल। जिस जगह तुम्हारा मर्डर हुआ उस जगह तुम्हारा विवाद भी चलता, तुम्हारे लड़के ने शिकायत करी नहीं? विवाद नहीं चल रहा था, हम तो हिटने के चक्कर में, अभी फसल बोब रही है, अपन निकलेंगे फसल मचेगी, तो इसके 181 में लड़के ने शिकायत करी थी 31 तारीख को, 31 को शिकायत करी, 8-9 दिन बाद पटवारी आया, कमल सिंह पटवारी, वो आके और उधर एक अचार का पेड़ है वहाँ आके निराकरण कर ले गए। तो इन दोनों धनियों ने इस चीज़ की तहजीक कर ली कि भैया ऐसा करना, आप जब ये फसल खड़ी है अभी कोई दिक्कत नहीं है, फसल कटने के बाद आप पिलाऊ करवा देना, उसके इधर ये कांटा मुंडी गाड़ लेंगे इनकी, इधर वाला इधर की गाड़ लेगा और रास्ता जो है हमें क्लियर मिल जाएगा, ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा जैसा भी हम निकल जाएंगे, आपसे खेत में जाएंगे ना आपसे कहेंगे कि भैया हमें रास्ता दो। ये उस दिन पटवारी जी पंचनामा बना ले गए और चले गए, मैं साहब जैसे ही फसल कटेगी हम आपको सूचित कर देंगे कि भैया फसल कट गई, आके इनको जो निशान बता दो। घर की क्या स्थिति आप लोगों की? घर की स्थिति क्या है? घर में कमाने वाला कौन था? अब घर में कमाने वाला वही है, उसका परिवार अलग है, 2 बच्चे हैं और पत्नी है उसकी, वो भी घर ही थी उस दिन, उसकी सासू भी आई हुई थी, वो भी घर थी रामेश्वर की। तो आपके परिवार वालों को कथन लिए पुलिस ने? नहीं, हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा था, अच्छा किसी से बात भी नहीं करी पुलिस ने हमसे, तो यूं भी नहीं की कैसे हुआ, क्यों हुआ, काय को हुआ, हमसे नहीं पूछी। पुलिस ने दर्शाया है कि मर्डर के टाइम जैसे आप बता रहे हैं कि वो कहीं और थे, तो उस टाइम कहाँ थे आपके हिसाब से, कहाँ थे वो? पुलिस कह रही है कि मेरा बालक घर था जी, दोनों बच्चे वो है ना बनवारी लाल, वो भी बेचारा घर था, पानी फेर के शाम को वो भी आया हुआ था, मेरा लड़का भी घर ही था, वो 4-5 बजे के खेत से वो की फली, काय की फली सहजना की फली तोड़ के लाए थे, तो उसने ही सब्जी खुद ने हाथ से बनाई, रामेश्वर ने हम सब ने 7-8 बजे खाई पी और हम सो गए। बनवारी और रामेश्वर दोनों दारू पीते थे क्या? नहीं,